हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो सिर्फ इस बात को लेकर के कि फाइनेंशियल ईयर क्या हर कंट्री में अलग अलग होता है या नहीं होता है, तो इस बात को लेकर के काफी कंफ्यूजन है। चूंकि मैं इंडिया और पाकिस्तान वगैरह के लिए वीडियोज बनाता हूँ ज्यादातर, तो इस सिलसिले में दिक्कत ये आ रही है कि अगर कोई यूएई यानी यूनाइटेड संयुक्त अरब अमीरात का रहने वाला है तो वो भी अगर सीखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो वहां पर फाइनेंशियल ईयर शायद कुछ अलग हो जाता है। ऐसा भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो वहां पर क्या फाइनेंशियल ईयर होता है और यहाँ पर क्या फाइनेंशियल ईयर होता है, दोनों ही के बारे में डिफरेंस क्लियर करूंगा। जैसे हम इंडिया में जो यूज करते हैं ना, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर हम यूज करते हैं, ठीक है। और जो यूएई वगैरह में यूज होता है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का फाइनेंशियल ईयर यूज होता है। जी हाँ दोस्तों, यूएई की बात करेंगे तो वहां 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का फाइनेंशियल ईयर यूज होता है, ठीक है। अगर वहां पर आप कंपनी बना रहे हो, फ्रेम कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो कैसे क्रिएट करोगे? ऐसे बाहर आ जाते हैं, यहाँ F3 प्रेस करता हूं और यहाँ क्रिएट कंपनी पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर जैसे ही प्रेस किया हमने तो यहाँ पर फॉर्म खुल जाता है और इस फॉर्म को हमें फिल करना है। तो हम यूएई की बात कर रहे हैं तो इस कंपनी को यूएई एंड कंपनी ही नाम दे देता हूं। तो यहाँ लिख दिया यूएई एंड कंपनी, लिख दिया यूएई एंड कंपनी और यहाँ पे एड्रेस यूएई का डाल देता हूँ, यूएई, ठीक है। एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया। यहाँ पे जो स्टेट की बात करेंगे तो यूएई का जो स्टेट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो यहाँ पर तो सारे ही स्टेट जो है चेंज कंट्री यहाँ पे कर देते हैं, चेंज कंट्री। तो यहाँ पर यूएई कंट्री का नाम है तो उसके हिसाब से यहाँ स्टेट आएंगे, तो यहाँ पर यूएई चूज करता हूँ। अब देखिए ये सब यूएई के स्टेट हैं तो यहाँ पर धाबी कर देता हूँ या इस तरह की कोई चीज, और एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट कराता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट चूंकि टैली प्राइम यूज कर रहा हूँ तो 1 जनवरी 2021 आ रहा है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग जनरली लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 1/1/2020 कर देता हूं मैं। अब ये देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर है आपका, ठीक है। और इस तरीके से ये एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं हम। ये हमने करा लिया एक्सेप्ट। और अगर आप वैट इनेबल करना चाहते हैं, चूंकि यूएई में जीएसटी लगता नहीं है, तो यहाँ पर वैट अगर इनेबल करना चाहते हैं तो वो भी इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से वैट टैक्स पे जाकर के और यहाँ से वाई प्रेस कर दीजिए और ये तमाम चीजें, टीआरएन नंबर वगैरह आपको डालना होगा, ठीक है। ये सब डाल करके और यहाँ वैट के डिटेल को अल्टर करके और फिर यहाँ टैक्सेबल रखेंगे और यहाँ पर टैक्स लगा देता हूँ मैं 18% का टैक्स, ठीक है। और एंटर करते हुए इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये हमारी कंपनी बन गई है। और इस तरीके से अगर आपको फाइनेंशियल ईयर चेक करना है तो यहाँ से Alt के साथ F2 प्रेस कीजिएगा तो ये देखिए फाइनेंशियल ईयर हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4/2019 आ रहा है, इसको हमें चेंज करना होगा तो 1/1/2020, ठीक है। और एंड कब होगा? 30/12/2020, ठीक है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के बीच का फाइनेंशियल ईयर ये होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में यही फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का हो जाता है। और भी कंट्रीज हैं तमाम जिनकी अगर बात करें हम तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का फाइनेंशियल ईयर होता है। कहीं कहीं आपने देखा यूएई में 1 जनवरी से 31 के बीच का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर, तो यूएई में इसी तरह से होता है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।